नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको जियो का मोबाइल रिपेयर करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये एक जियो का मोबाइल है और ये चार्जिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए, हम इसमें लगाते हैं तो ये चार्जिंग नहीं कर रहा है, तो आज हम इसकी ये चार्जिंग ही देखेंगे, ये चार्ज क्यों नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपके पास भी ये जियो का मोबाइल है तो आप अपनी इसकी चार्जिंग ठीक कर सकते हैं, आप भी अपना ये जियो का मोबाइल ठीक कर सकते हैं। मोबाइल खोलने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी दबा दें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों अब हम ये खोल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से इस टाइप से हम यहाँ से इसको खोलेंगे, यहाँ से ये ऐसे देखें, यहाँ एक स्लॉट बना है, यहाँ से इस टाइप से हम इसको खोल लेंगे और ये प्यार से जिससे इससे स्लॉट ना टूट जाए। ये देखिए हमने खोल लिया है, यहाँ से इसको इस टाइप से यहाँ निकाल लें और धीरे से इसकी ये यहाँ से बैटरी निकाल लें। ये बैटरी हमने निकाल ली है और निकालने के बाद इसको यहाँ रखें। अब हम इसके यहाँ पर ये चार पेंच लगे हुए हैं, छः पेंच लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 छः पेंच खोल लेते हैं। इसको ड्राइवर हो, ये स्टार वाला हो या प्लेन हो, इससे आप खोल सकते हैं। यहाँ देखिए, मैं इस स्टार वाले से इसको यहाँ पर खोल लेता हूँ। ये हमने खोल लिया है। अब हम इसके यहाँ पर इस वाले सर्किट में चलते हैं, ये वाला भी इस वाले सर्किट में हम चार्जिंग वाले चलते हैं। ये देखें दोस्तों, ये पहले भी रिपेयर हुआ हुआ है, तो अब देखते हैं, हो सकता है ये वाला वायर ही इसका हट गया हो। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं, मीटर को कंटिन्यूटी में रखें, कोई भी मल्टीमीटर हो तो कंटिन्यूटी में इस टाइप से आप रख सकते हैं और इसके यहाँ से कनेक्शन करते हैं। ये देखिए, हो सकता है कोई कनेक्शन हट गया हो। बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए जुड़ गया है, ये रेजिस्टेंस है। और अब हम इसको एक बार चार्जिंग के लिए देख लेते हैं। यहाँ इस पे दो पिनों पे चार्जिंग वोल्टेज आनी चाहिए, यहाँ पर वोल्टेज आनी चाहिए, तो यहाँ हम वोल्टेज इसकी चेक करेंगे। तो अब हम ये यहाँ इसमें ये कनेक्टर लगा देते हैं और वोल्टेज देखते हैं कि चार्जिंग हुई है या नहीं। जी, हमने लगा दिया है, तो वोल्टेज यहाँ देख लेते हैं, हमारे यहाँ 4 वोल्ट 4.5 वोल्ट आनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज अभी नहीं आई है, ये वोल्टेज आप यहाँ भी देख सकते हैं, वोल्टेज यहाँ आ रही है। दोस्तों एक बार हम इसको देखते हैं ऑन करके, ऑन होता है या नहीं। तो देखे दोस्तों, मोबाइल ऑन हो गया है, अभी दिखाता हूं। इसका यहां से ये एक कनेक्शन हटा हुआ था, इसके प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन रहे थे, इसलिए ये चार्जिंग नहीं कर रहा था। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा मैंने इसमें क्या चीज ठीक किया है। तो इसके बाद अब हम इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा सा ये ट्यूट करेंगे, दबाएंगे, ये हमने दबा दिया, ये देखे, ये फिट इसमें हो गया है, ये हमने इसको फिट कर दिया है। इसके बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको एक बार चार्ज करके देख लेते हैं, पता लगा है ये चार्ज नहीं हो रहा, फिर दोबारा से खोलना पड़ गया। तो ये हमारी बैटरी के कनेक्शन इस साइड में, तो यहाँ इस टाइप से इसको
लगाएंगे, ये लगा दिया है और इसमें चार्जिंग ये देख लेते हैं, इसका चार्जर है और यहाँ पर सबसे पहले इसकी चार्जिंग ही हम देखेंगे। दोस्तों हमारा मोबाइल ठीक हुआ है, देखिए इसमें चार्जिंग शुरू हो गई है। तो दोस्तों आप भी अपना मोबाइल इस टाइप से ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।